नमस्कार दर्शकों, मैं आमिर सुहेल खान आपका स्वागत करता हूं द अर्थ न्यूज़ नेटवर्क में। मैं इस वक्त ठीक मौजूद हूं सेक्रेट के बैक साइड में। आप मेरे सामने एक पोस्टर देख रहे होंगे जी, बिल्कुल, ब्यूटिफिकेशन ड्राइव ऑफ जम्मू सिटी एज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनिशिएटिव स्पॉन्सर्स बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और दूसरी साइड में आपको पेंटिंग दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ये पेंटिंग की गई है आर्टिस्टों की द्वारा, जो आर्टिस्ट हैं जो इन्होंने ये यहाँ पे पेंटिंग की है। यहाँ पे जो इन्होंने मॉडल रखा हुआ है वो दरबार मुंह का रखा हुआ है, पुराने जो हमारे गुजरे हुए महाराजा हैं उनके वक्त का, जो उनके टाइम की जो यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग की गई है दीवार के ऊपर। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्यूटिफिकेशन ड्राइव ऑफ जम्मू सिटी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनिशिएटिव स्पॉन्सर्स बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जी बिल्कुल। और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे बात करूँगा। मैम, अभी तक हमें यहाँ पे जम्मू में ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिला है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, इवन कि हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलता है कि गंद वगैरह पड़ा रहता है, तीन तीन दिन आके उठाते नहीं है, आफ्टर 3 to 4 days उठाते हैं, कहीं की जगह ऐसी भी हैं। लेकिन आज कुछ नया जम्मू सिटी के अंदर दिखने को मिल रहा है, ग्रीन सिटी करने को मिल रहा है, एक अगर बात की जाए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की कोशिश में ये चीज़ें सब दिख रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कब आया, कैसे आया, किस तरह से आया? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्यूटिफिकेशन ड्राइव, आप जो कह रहे हैं कि ये पहला है, ये एक इनकॉन्टिन्यूटी है जो हमारे विक्रम चौक पे जो पिलर्स हैं और उसके पहले जो वॉल पेंटिंग्स हुई हैं गांधीनगर कॉलेज के साइड्स की जो वॉल्स हैं इधर आप देख सकते हैं, प्लस पिलर्स आप देख सकते हैं, वो जो आर्ट हुआ है ये हमने ड्राइव यहाँ पे अब कैरी फॉरवर्ड की है। इन द होल सिटी एरिया वी हैव टू डू दिस। और हमारे डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा साहब का जो है वो ये विजन है कि जो सिटी है इसकी काफ़ी ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए और बच्चे जो हैं वो इसमें दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये इनिशिएटिव लिया और जेके बैंक जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स जो है उनके आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ही फाइन आर्टिस्ट हैं, वो सब जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अभी आने वाले दिनों में हमारे साथ और भी डिपार्टमेंट्स और भी लोग जुड़ेंगे और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एट वेरियस पॉइंट्स द सिटी इज़ ब्यूटिफाइड। और बहुत सी हमारी वॉल्स हैं जो पब्लिक जो है पब्लिक वॉल्स हैं बट वो इतनी गंदी हो चुकी हैं, इतनी शैपी हो चुकी हैं कि दे रियली नीड टू बी रिवैम्प्ड। सो दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट एंडेवर और इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो आर्ट्स हैं वो भी डिपिक्ट किए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी जो इस टाइम प्रेजेंटली चल रहा है, ये हमारे जम्मू कश्मीर का जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसको दर्शाता है, किस तरह से हमारे महाराजा जी जो थे उनका दरबार चलता था, हमारी मुबारक मंडी को ये डिपिक्ट कर रहा है। और बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है और हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो ये चीज़ जाने कि हमारा जो कल्चर है और हमारी जो हिस्ट्री है बहुत रिच है ये। सो दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्ट। मैम, आपने यहाँ पे मुबारक मंडी की बात की, इत्तेफाकन मेरी आज आपसे मुलाकात हुई। मैम, मैंने इससे पहले म्यूनसिपल इलेक्शन के दौरान में जब मैंने विज़िट किया रूपनगर एरिया में तो वहाँ पे तो बहुत बुरी हालत थी, चाहे अगर वहाँ पे गलियों की बात की जाए, नालियों की बात की जाए, बिल्कुल गंद पड़ा हुआ है और वो हमारे पास वीडियो क्लिप्स अभी तक भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे चैनल पे भी हैं। उसके साथ साथ आप मुबारक मंडी की बात कर रहे हो कि मुबारक मंडी जो है उसको हम आज हमारे जो यंग युवा जनरेशन है दिखाना चाहते हैं कि क्या वैल्यू है, वो तो एक बात रहती है, लेकिन अगर वहाँ की जो हालात अगर वो देखेंगे तो उस पर आपका क्या कहना है? वहाँ पर तो 24 घंटे गंद पड़ा रहता है, म्यूनसिपल की तरफ से भी कोई वहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो एज ए सेक्रेटरी होकर भी इतने ढीला काम क्यों चल रहे हैं जम्मू के अंदर? अभी हम आपको ये बताते हैं कि जो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चली थी उसमें हमारे कमिश्नर साहब और हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने खुद जाके वहाँ पार्कों में जाके प्लॉगिंग की है, लोगों को अवेयर करवाया है। बट क्योंकि हमारे लोगों में यहाँ पे सेल्फ सिविक सेंस की जो है वो कमी है, वहाँ डस्टबिन लगे हुए हैं उसके बावजूद लोग जो है जगह जगह कचरा फेंकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि अगर हमारी जम्मू को स्मार्ट सिटी बनना है तो पहले हमें अपने माइंड्स को भी स्मार्ट करना है। सो इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन हु इज स्टेइंग इन जम्मू एंड कश्मीर कि वो अपने सिटी को साफ रखें। तो जम्मू सिटी को साफ रखने का दायित्व वहाँ के जो लोग हैं उनका भी है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग इवन मोर व्हीकल्स सो दैट कि हम डोर टू डोर सर्विस जो है वो स्टार्ट कर सकें कलेक्शन की ऑफ वेस्ट, और एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि बहुत जल्दी हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है दैट प्रोसेस विल स्टार्ट। मैम, अगर बात की जाए यहाँ पे इसके साथ साथ कितनी बाकी ऐसी जगह हैं जिन्हों पर आप नेक्स्ट टाइम में ये इसी तरह से जो खूबसूरती की नुमाइशें बनाई जा रही हैं ये बनाओगे आप जम्मू सिटी के अंदर? यस, ये जैसे हमारी साइंस कॉलेज की जो वॉल है उस पे ऊपर हमने काम जो है वो स्टार्ट करने की डायरेक्शंस दे दी हैं। उसके अलावा अगर आप देखें यूनिवर्सिटी की वॉल्स हैं हमारी, हम उनको टेकअप करेंगे, देन वी विल टेकअप द वॉल्स जो कि सतवारी की तरफ जाती है हमारी वॉल्स,
then we'll take up those walls, then towards Rihari Chungi. So we will try ki har ek pocket mein ek achha message dene wali, har ek city pocket mein ek achha message dene wali kuch walls jo hain wo beautify ki jaye. Iske alawa we are in the process of initiating the process of jo rock garden hai jis tarah se Chandigarh mein waisa kuch concept hum apni walls pe, hamare yahan pe artists hain, hum unko unke jo efforts hain unko utilize karenge aur waisa bhi kuch dekhne ko jo hai logon ko milega. Iske alawa we have started the process of jo hamari rockery bani hui hai wahan pe Vikram Chowk mein. Aap yahan pe baat kar rahe ho ki rock garden Chandigarh jaisa wahan pe bana hua waisa yahan pe banayenge. जो कॉन्सेप्ट यूज टाइल्स का वो तो मैम एक अलग बात है, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल बात की जाए जम्मू के अंदर जितनी भी पार्कें वगैरह हैं उनकी तो इतनी बुरी हालत है, उनके अंदर डस्टबिन वगैरह भी अवेलेबल नहीं. जो मेन चीज़ है वो तो हमारे पास है नहीं है, लेकिन हम एक ऐसा टाइटल एक ऐसी चीज़ सोच के चल रहे हैं कि हम अपनी सिटी को मेट्रोपोलिटन तो बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के जो अफसरान हैं उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता. जो हमारी बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से जो गंद है वो दिन ब दिन फैल रहा है उसको पहले सुधार करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके हम उस टाइटल तक पहुंच पाएंगे. तो इस पे आपका क्या कहना है? अभी जैसे पिछले 15 डेज जो हमारी कैंपेन्स चली हैं उसमें हमने कुछ लोगों को भी इन्वॉल्व किया और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो है वो लोगों को हमने बताया कि वेस्ट जो है हाउस होल्ड से ही कैसे सेग्रीगेट की जा सके. इसके अलावा हमने अपने ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को डायरेक्शंस दिए हैं और इस टाइम पर भी अगर आप चेक करेंगे तो हमारे डस्टबिन जो हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं हर एक पार्क में और ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा एंड ब्यूटिफिकेशन विल डेफिनेटली टेक प्लेस. और लोगों को भी मेरी अपील है कि वो लोग भी अपने थोड़ी सी सिविक सेंस रखें और हमारे साथ सपोर्ट करें ताकि हम एक ब्यूटीफुल सिटी बना सकें. बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए. थैंक यू जी. ये थे हमारे साथ सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेकर बात करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएंगे और जम्मू को आते समय में खूबसूरत भी करेंगे. और जम्मू में जितनी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अभी तक कार्रवाई की गई है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे. ये तो आता समय बताएगा कि ये कितना कुछ करते हैं, क्या जो अभी तक बिगड़े हुए हालात हैं क्या उनको भी सुधार पाते हैं या आते समय में क्या कुछ नया लेके जम्मू के लिए आते हैं. चलिए ये थे हमारे सेक्रेटरी साहब. अब मेरे साथ जुड़े हुए जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को ले कर आए हैं यहाँ पर पेंटिंग करवाने के लिए. मैं ज़्यादा जानकारी के लिए इनके पास जुड़ना चाहता हूँ. सर सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आप एक HOD हो जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं और कितने डेज़ के लिए उनका यहाँ पे जो वर्कशॉप है इस पेंटिंग को लेके रहेगा? हमारे अभी जहाँ पे 10 स्टूडेंट हमने जहाँ पे डिप्यूट किए हुए हैं इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो आगे अभी जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं हमारे उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने एक दो और साइट जो है आइडेंटिफाई की हुई हैं, तो वो कह रहे हैं कुछ और स्टूडेंट अगर इसमें हमें अवेलेबल हो सकते हैं तो उसको उस एरिया को भी थोड़ा ब्यूटीफाई किया जाए. तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि जैसे म्यूनसिपल कमेटी का जो हमारी म्यूनसिपैलिटी है उसका एक कॉन्सेप्ट है कीन टू सर्व यू बेटर, एक उनका मोटो है. तो उसके अगर उनका मोटो ये है कीन टू सर्व यू बेटर, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम उनको हेल्प करें. तो हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? बीइंग एन आर्टिस्ट हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इवन हम खुद आके उनके साथ जुड़ के वो जो उनके कॉन्सेप्ट हैं हमारे डिवीज़न कमिश्नर साहब जी के या हमारे जो DC साहब हैं या हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हैं, जैसे जैसे वो हमें डायरेक्शंस देंगे और जो जो हमें साइट बताएँगे हम उन साइट्स को ब्यूटिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे. और मेरा ये एक और मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा माध्यम है आर्ट, कला जो है, कला के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों का माइंड जो है चेंज कर सकते हैं. बिकॉज आर्ट इज़ ए बिग हैमर, वी कैन चेंज द शेप ऑफ द नेशन. तो हमें अपनी सिटी को सुंदर बनाना है तो हम सभी को जितनी भी संस्थाएँ हैं चाहे वो आर्टिस्ट हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी को म्यूनसिपल कमेटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा शहर जो है सुंदर हो सकता है. ताकि बाहर से आने वाले जो जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो हमारी जहाँ से पहचान को लेके जाएं, साथ में कैरी करें, हमारे विरसे को लेके जाएं, हमारे हेरिटेज को समझ के जाएं. क्योंकि बुक्स के अंदर हेरिटेज है तो वो तो दिखता नहीं. अगर हम साइट में अगर ऐसी जगह हैं, एक तो हम उन जगहों को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं वहाँ पर, तो ऐसा करने से मुझे लगता है कि शहर भी ब्यूटीफाई होगा और लोगों के अंदर एक सेंस भी जाएगी.
बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये था मेरे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर HOD हैं पेंटिंग को लेकर। इनका कहना है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं जो लगातार यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे जम्मू के है, अगर बात की जाए हेरिटेज की या जम्मू की, वो पुरानी यादें जो अभी तक लोगों के दिलों में समाई हुई है, उन्हीं ही यादों को आज ये लोगों के सामने लेके आए हैं और उनको ताज़ा कर रहे हैं। ऐसे ही नई ताज़ा अपडेट्स के साथ आप भी जुड़े रहें द अर्थ न्यूज़ नेटवर्क पे। कैमरामैन रोहित नंदन के साथ आमिर सुहेल खान।